सीधे चलते रायपुर, जहां पर केक की प्रेस वार्ता चल रही है। सीधे चलते हैं, वहां दिखाते हैं कि क्या कुछ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द किया स्टेट। बात की जा रही है। इसमें नुकसान और घाटा नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि भाई जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट में फॉलो करना चाहिए था। अगर ये फॉलो किए रहते तो ये जो पैसा है ये काफी डेवलपमेंट वर्क पर वो काम आया रहता। ये आरबीआई में चला। 31 मार्च को कितना जमा किया था? 13,800। अब नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। लेजिस्लेचर इज येट टू रेगुलराइज एक्सेस एक्सपेंडिचर अमाउंट जो है 3,260 करोड़ ओवर प्रोविजन। जो बजट प्रोविजन होता है उसके अनुसार खर्चा करना पड़ता है। उससे अगर ज्यादा होता है खर्चा तो लेजिस्लेचर से रेगुलराइज करना पड़ता है। लेकिन 2001 से 2017-18 तक 3,260 जो करोड़ है वो रेगुलराइज नहीं हुआ है। अब मैं चलता हूँ ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में। जो 13 जो वर्किंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके जो अकाउंट्स है वो अरियर्स में है 1 से 4 साल तक। और ये अकाउंट्स अरियर्स में होने के कारण हम हमारा सप्लीमेंट्री ऑडिट नहीं कर पा रहे, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहे, वो क्या कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है ये पता नहीं चल रहा है। इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट उनको बजटरी सपोर्ट दे रहा है। अभी तक जो बजटरी सपोर्ट दिया है 9,463 करोड़। और एक आपने सुना होगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट इन एड्स देती है, वो पैसा खर्चा करने के बाद हर डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेटर को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और वो जो यूसी है वो नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक एजी ऑफिस में पहुंचनी चाहिए, ताकि ये पता चलता है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है वो स्कीम के ऊपर खर्चा हुआ या नहीं हुआ है। तो ऐसे जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है जिसको हम यूसी बोलते हैं, वो उसका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो है 2,413 करोड़। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे 1,459 करोड़, ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ आप समझ लीजिए, ये लैंड एक्विजिशन के कारण अभी भी पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी होते हैं, कोर्ट केसेस रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने किसी की लैंड ले ली है उसको मुआवजा देना है, किसी का दुकान गया है, किसी का खेत गया है, तो इसमें बहुत सारा लिटिगेशन है, उसके कारण भी ये 1,500 जो करोड़ है पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में पड़ गई। इसमें भी ब्लॉकेज ऑफ फंड्स है। तो ये मैंने आपको स्टेट फाइनेंसियल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में मोटा मोटी ये जो पॉइंट्स है दैट आई हैव टोल्ड यू। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, इसमें जो आपने बताया कि 1 करोड़ 18 हजार मैं फिर से बताता हूँ, वो पॉइंट फिर से दोहराता हूँ। 18,000। हाँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। देखिए, टोटल बजट प्रोविजन था 88,599 करोड़ 2017-18 में। इसमें टोटल जो सरेंडर हुआ है 18,886 करोड़, ठीक है। और इसमें से जो 18,000 में से 5,008 करोड़ जो है वो लैप्स हुआ है, और 13,838 करोड़ जो है वो सरेंडर लास्ट डे पे हुआ है। मतलब मैं ये दोनों कहानी जो बता रहा हूँ वो 18,000 में से ही बता रहा हूँ। हाँ, ये
ये बात सही है, हमने भी ऑडिट रिपोर्ट में ये पॉइंट किया है, और आपने जो सप्लीमेंट्री प्रोविजन की बात की है तो इसमें भी 7,640 करोड़ जो है वो सप्लीमेंट्री प्रोविजन की थी, तो ये मतलब इट वाज अननेसेसरी। तो हमारा यही कहना है कि ये डिफेक्टिव बजटिंग है, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जब अपना बजट बनाते हैं, जो एक्सरसाइज होती है बजट बनाने की, वो ठीक से करना चाहिए, एस्टिमेट ठीक से होना चाहिए, ताकि ये जो हम सरेंडर करते मनी वो डेवलपमेंट वर्क पे खर्चा हो पाए। हाँ, हमने प्रीवियस ईयर में भी स्टेट गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है, वी हैव ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वी कीप ऑन टेलिंग देम। पिछले 4 साल से जो नोटिस में ला रहे गवर्नमेंट के, हाँ हाँ हम ला रहे हैं। और इसी के साथ वीडियो फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।